कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बजाय अपना कुंबा बचाने में उलझी हुई है और इस बार संकट के बादल झारखंड से दिल्ली पहुंचे हैं। सवाल यह है कि बिहार के बाद झारखंड में भी महागठबंधन के साथ बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल 1, 2, 3 नहीं पूरे 8 झारखंड कांग्रेस के विधायक बीती रात एयरपोर्ट पर उतरे, वो भी तब जब झारखंड में चंपई सोरेन को शपथ लिए अभी 2 हफ्ते ही बीते हैं। ये विधायक चंपई सरकार पर संकट की वजह बन रहे हैं। ये विधायक भले ही अपनी यात्रा को सामान्य बता रहे हों, लेकिन चंपई सोरेन के लिए हालात असामान्य हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली कूच से पहले विधायकों ने रांची में कई राउंड बैठक की और जब बात नहीं बनी तो दिल्ली के लिए उड़ान भरी। सूत्रों की माने तो विधायकों की बैठकों और दिल्ली कूच के इस ताज़ा घटनाक्रम के तार 2 दिन पहले हुए कैबिनेट विस्तार से जुड़े हुए हैं। सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों को ही चंपई सरकार में रिपीट किया गया है, जिनमें आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख शामिल हैं। दावा ये है कि करीब 12 विधायक भागीदारी ना मिलने से खफा हैं और उन 12 में से 8 आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। सरकार पर संकट के बादल के बीच चंपई सोरेन भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि कैमरे पर सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन झारखंड विधानसभा का जो मौजूदा समीकरण है उसमें अगर विधायकों के बगावती सुर और मुखर हुए तो चंपई सरकार का गणित बिगड़ने की उम्मीद ज़्यादा है। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी और 5 फरवरी को जब उन्होंने बहुमत की परीक्षा पास की तब 82 सीट वाली विधानसभा में 1 सीट खाली रही। महागठबंधन के पक्ष में 47 वोट डाले गए थे जबकि एनडीए के पक्ष में सिर्फ 29 वोट पड़े थे। महागठबंधन की सरकार कायम रखने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने तब बहुमत से पहले अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेजा था, लेकिन अब अगर कांग्रेस के बागी विधायक सोरेन सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार अल्पमत में आ जाएगी जबकि एनडीए बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि किस तरह से समीकरण बिगड़ सकता है या बन सकता है। अगर कांग्रेस के 12 विधायक बागी होते हैं तो महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक रह जाएंगे, वहीं एनडीए का आंकड़ा 41 हो जाएगा, जबकि बहुमत के लिए भी 41 विधायकों का समर्थन ही चाहिए होता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बागी विधायक आलाकमान के सामने अपनी मांग रखेंगे, अगर समाधान हुआ तो रांची लौटेंगे और अगर आश्वासन नहीं मिला तो फिर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर झारखंड की राजनीति में खेला की आहट सुबुका रही है। इस बीच झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों की नाराजगी की वजह जानने के लिए AICC ने मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर उमंग सिंघार को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ऑब्जर्वर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के साथ नाराज विधायकों की आज मीटिंग होनी है। वहीं झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनसे मुलाकात होगी और अन्य नेताओं से भी वो मिलेंगे। हमें नहीं लगता कि झारखंड कांग्रेस के विधायकों में कहीं कोई नाराजगी नजर आ रही है। अलावा इसके झारखंड कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप ने कहा है कि आलाकमान से बात करने के लिए आए हुए हैं, हमें क्या परेशानी है, उसके लिए हम पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं।